नमस्ते, मैं सानिया दीवान। अपनी बात कहने से पहले मैं एक सैर कहना चाहूंगी। दिखाकर ख्वाब महलों के ये गुर्बत लूट लेते हैं, वतन की आबरू और उसकी जीनत लूट लेते हैं। जो नारा देते हैं बेटी बचाने और पढ़ाने का, वही नामर्द मासूमों की इज्जत लूट लेते हैं। देख लो, जितने भी बलात्कार के केस में पकड़े जा रहे हैं, वे सभी बीजेपी के विधायक हैं। उन्नाव में बीजेपी से, कठुआ में बीजेपी से, आसाराम बापू बीजेपी से, राम रहीम बीजेपी से। इन सब का ताल्लुक बीजेपी से ही क्यों है? इन सब का कॉन्टेक्ट भारतीय जनता पार्टी ही क्यों है? क्या इसका नाम भारतीय रेपिस्ट पार्टी रख दिया जाए? क्या इसका नाम भारतीय बलात्कारी पार्टी रख दिया जाए? मोदी जी, तुम्हें दर्द नहीं होगा? दोनों जगह तो रड़ुओं की सरकार है। मोदी जी रड़ुआ है, जिनके कोई औलाद नहीं ना ही कोई बीवी है। योगी जी भी रड़ुआ है, जिनके भी कोई औलाद नहीं ना ही कोई बीवी है। अरे, इनमें से किसी की बहन बेटी होती तो पता चलता कि बलात्कार का दर्द क्या होता है। इनमें से किसी की बहन बेटी के साथ ये मामला होता तो पता चलता कि बेटी का दर्द क्या होता है। मोदी जी, तुम क्या जानो एक बेटी पर बलात्कार का दर्द? और योगी जी, तुम भी क्या जानो? योगी जी, आप पर तो वैसे भी पहले से ही मर्डर और बलात्कार के बीच जो केस लगे हुए हैं, ये तो विचारों की हुकूमत है कि बचे हुए हैं। मैं भारत के तमाम नागरिकों से कहना चाहती हूँ कि अपने अंदर इत्तेफाक पैदा कर लो। जो तुम्हारे दरमियान ना इत्तेफाकी हो गई, तो अब की बार भी रेपिस्ट और बलात्कारियों की सरकार बन जाएगी। मैं लास्ट में बस इतना ही कहना चाहती हूँ, और जब भी मारेगा वो भारा दे के मारेगा। सुनो ऐ मछलियों, तुमको वो चारा दे के मारेगा। गलत फहमी में मत रहना कि अच्छे दिन भी आएंगे। बड़ा चालाक दुश्मन है, सहारा दे के मारेगा। जय हिंद, जय भारत।